हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मरिता गार्डन। और मैं हूँ मरिता। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर एक हिबिस्कस का फ्लावर खिला है। और इसका साइज भी आप लोग देख ही सकते हो, बहुत ही बिग साइज का एक फ्लावर है। और इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। बहुत ही कम दिनों में ये प्लांट ग्रो हो गया था, और वो भी बिना रूटिंग हार्मोन के। हाँ दोस्तों, कोई भी रूटिंग हार्मोन मैंने इस कटिंग में नहीं यूज़ किया था। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है दोस्तों, जिसको फॉलो करने से आप सभी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से कटिंग ग्रो कर सकते हो। और आज मैं वही टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा जो प्लांट है बहुत ही हेल्दी प्लांट है। और ये जो फ्लावर है इसका साइज देखिए, लेकिन इसका जो कलर है ना, एक्चुअली ये पिंक कलर का है, लेकिन आप लोगों को स्क्रीन में ये रेड कलर का दिख रहा होगा। तो मेरा ये जो प्लांट है बहुत ही हेल्दी प्लांट है। मैंने इसमें कोई भी रूटिंग हार्मोन का यूज नहीं किया था। बहुत ही बुशी बन चुका है ये प्लांट विद इन 30 डेज। ये देखिए दोस्तों, और ये जो प्लांट है ये 12 इंच का प्लांटर में है, और इसमें बहुत ही कम मिट्टी है। और ये सिर्फ गार्डन सॉइल और सैंड में मिक्स करके मैंने ये कटिंग ग्रो किया था। और इसके साथ मेरा एक रेन लिली का भी प्लांट है, जिस पर भी मेरा एक वीडियो है। मैं इंस्ट्रीम में इसका लिंक जरूर शेयर कर दूंगी, आप लोग जो दोस्तों देखना चाहते हो वो जरूर देख लेना। तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पे। तो ये देखिए दोस्तों, कितना ब्रांचेस निकला है, न्यू लीव्स भी हुआ है। तो कुछ छोटी छोटी सी टिप्स है दोस्तों, जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं। अगर हम लोग वो टिप्स ध्यान रख पाएंगे तो हमारा जो कटिंग्स है बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो लीव्स आप लोग देख रहे हो, ये कटिंग्स ग्रो करने के समय में मैंने सारे लीव्स क्लियर कर लिया था। तो लेकिन अब देखिए, इसमें ये जो लीव्स है सभी न्यू लीव्स है। ये देखिए दोस्तों, लीव्स रहने से ना बहुत ही फंगस अटैक होता है। और यहाँ पर देखिए, ये सभी न्यू ब्रांचेस है। इसमें आपको बहुत सारे बर्ड्स भी मिल जाएंगे दिखने को, बहुत ही छोटे छोटे हैं सारे बर्ड्स, अभी बन रहे हैं। फ्लावर खिलने में टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए एक बर्ड्स है, यहाँ पर देखिए 3 बर्ड्स है, और एक तो बहुत ही छोटा है, और एक फ्लावर खिला हुआ है, और एक बर्ड्स भी है जो 2-3 दिन में खिल जाएगा। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं हम लोग ये कटिंग्स कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ कटिंग्स ऑलरेडी ले लिया है, और लीव्स मैंने सारी क्लियर कर लिया है ऑलरेडी, क्योंकि लीव्स रहने से फंगस भी लग सकता है, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था। और इसके लिए सारे लीव्स हटा देना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, मैंने ऑलरेडी सारे लीव्स हटा कर रख दिया है, सिर्फ एक दो पत्ते रहने से ही काम चल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये भी एक कटिंग है, लेकिन ये आप लोगों को मैं दिखाने के लिए रखी थी कि ऐसा कटिंग ग्रो करने से नहीं ग्रोथ होता है, क्योंकि इतना सारे लीव्स रहने से ना, ये लीव्स जब खराब हो जाता है, गल जाता है, तो ये लीव जो है वो मिट्टी में गिर जाता है, और मिट्टी में फंगस अटैक हो जाता है, और कटिंग सारे सूख जाता है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही एक दो पत्ते रहने से काम चल जाता है, कटिंग्स ग्रो हो जाता है। ये था मेरा फर्स्ट टिप। और नंबर 2 है जो टिप्स एंड ट्रिक्स है। आप लोग सभी देख सकते हो कि मेरा ये जो कटिंग्स है कितना थिक है। हाँ दोस्तों, कटिंग्स बहुत ही थिक कटिंग्स लेना चाहिए, एकदम मैच्योर कटिंग्स ही लेना चाहिए, और हेल्दी प्लांट से ही लेना चाहिए। और कटिंग्स हमेशा मिनिमम 4 इंच का ही लेना चाहिए, लेकिन आप लोग सभी देख सकते हो तो जो कि मेरा ये जो कटिंग्स है सभी ना 5 इंच और 6 इंच का ही है। तो इसमें से सारे लीव्स मैंने देखिए हटा दिया है ऑलरेडी। तो दोस्तों ये कटिंग्स मैं आज विदाउट रूटिंग हार्मोन का ही ग्रो करूंगी। जैसे कि मैंने कहा था कि हिबिस्कस को कटिंग जो है रूटिंग हार्मोन के बिना भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक प्लांटर पे मिट्टी ले लिया है। मेरा जो गार्डन सॉइल है 50% और 50% है सैंड, यानी कि बजरी, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। और दोस्तों आपको अगर बजरी नहीं मिला तो आप लोग कोकोपीट का भी यूज कर सकते हो। तो ये जो कटिंग्स है, कटिंग्स ग्रो करने के लिए जो मिट्टी है वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। मिट्टी का जो मिक्सचर आप लोग ले रहे हो कटिंग्स ग्रो करने के लिए, वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आप कोकोपीट या सैंड कोई भी एक यूज कर सकते हो।
और फर्टिलाइजर अभी कोई ज़रूरत नहीं है और विदाउट रूटीन हार्मोन भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, लेकिन ग्रो होने के बाद आफ्टर 20 to 25 days या फिर 30 days में आपको बहुत ही बुशी प्लांट मिल जाएगा, तब आप लोग इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले मिट्टी को अच्छे से दबा लीजिए, उसके बाद छोटी सी होल करके ये कटिंग्स हल्के हाथों से इसमें डाल के मिट्टी में दबा देना है, बस हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है और कुछ दिनों में आपको अच्छी रिजल्ट मिल जाएगा। और बिलीव मी दोस्तों, विद इन 15 to 20 days आपको एक एकदम न्यू प्लांट मिल जाएगा, बहुत सारे फ्लावर्स भी मिल जाएगा। तो ये प्लांटर रखना कहाँ पर है? तो ये प्लांटर को ऐसी जगह में रखना है दोस्तों जहाँ पर सुबह का जो हल्की धूप है वो मिले, 1 hour का धूप मिलने से हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तो बहुत ही बारिश हो रहा है तो मैं इसमें पानी नहीं दूंगी। तो मेरा थर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स है दोस्तों कि इसमें आप लोग इस प्लांटर को अभी शेड में नहीं रखना है। तो कहाँ रखना है इस प्लांटर को? अभी आप लोग एकदम बारिश में खुला रख दीजिए। हाँ दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि शेड में रखिए कटिंग्स को ग्रो करने के लिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि हिबिस्कस की कटिंग्स को ग्रो करने के लिए आप आराम से बारिश में रख सकते हो और रख दीजिए। मैंने भी रखा था और बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिला है मुझको, और मैं इसका भी रिजल्ट आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। दोस्तों, बारिश का जो पानी है वो एक तरह का रूटीन हार्मोन का ही काम करता है, और ये तो रेनी सीजन है और ये तो एकदम परफेक्ट टाइम होता है हिबिस्कस की कटिंग्स ग्रो करने के लिए। हाँ, अगर बारिश नहीं हुआ तो तब क्या करना होगा? अगर बारिश नहीं हुआ तो आपको हर रोज इसमें पानी देना होगा। हर रोज अगर आप नहीं दे सकोगे तो 2-3 दिन में एक बार देना ही होगा। मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट ही रखना होगा, क्योंकि मिट्टी मॉइस्ट रहने से ही फ्रूट्स अच्छे से ग्रो होते हैं। और हर रोज आपको कटिंग्स में जो है ना पानी स्प्रे करना होगा। और एंट्स से बचने के लिए आप लोग हल्दी पानी में घोल के भी यूज कर सकते हो 1 week, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैंने ये बहुत बार किया है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो अच्छा हेल्पफुल साबित होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।